बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दूषित किचन। उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुश होंगे। इसके साथ ही दूषित किचन में आज की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। आज की रेसिपी में हम बना रहे हैं वेजीज बना रहे हैं, थोड़ा सा चिकन भी इसमें यूज़ कर लेंगे। तो वेजीज में हम बना रहे हैं थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टाइल की वेजीज है, बेसिक स्पाइसेज यूज़ करेंगे हम उसमें। और ये रेसिपी मेरे हस्बैंड की फेवरेट रेसिपी है, वेजीज के साथ चिकन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रेसिपी को। तो मैं आज की वेजीज की रेसिपी है, कट और वॉश करके ऑलरेडी हम रख चुके हैं। यहाँ है हमारे पास कैप्सिकम, पोटैटोज, ऑनियन, टमाटोज, कैरेट और ग्रीन चिलीज हमने ली हैं। तो स्टार्ट कर दिया था हमने इसको कुक करना। तो यहाँ हमने पैन में तकरीबन हाफ कप ऑयल लिया है, उसमें कट किया हुआ हमने ऑनियन ऐड किया था। ऑनियन को तकरीबन एक मिनट तक के लिए हमने फ्राई किया था इसमें, क्योंकि ब्राउन किया हुआ ऑनियन हमें नहीं चाहिए था। तो साथ ही में हमने ये देखें जिंजर गार्लिक ऐड की है तकरीबन 1 टेबल स्पून, टमाटोज ऐड किए थे और स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर रहे हैं, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर हमने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून। और यहाँ हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिकन, ऐड किया हमने बोन के साथ है ये, आप बोनलेस चिकन भी ऐड कर सकते हैं इसमें। लेड लगा दिया था तो 5 मिनट्स के बाद देखें हमारे टमाटोज और चिकन दोनों चीज़ें हो चुकी थी कुक। टमाटोज हमारे सॉफ्ट हो चुके थे, चिकन का कलर भी देखें कितना अच्छा सा आ रहा है। बारी थी हमारी वेजेस की, सबसे पहले हमने ऐड की थी इसमें पोटैटोज ऐड किए मैंने और साथ ही में कैरेट्स, क्योंकि दोनों चीज़ें आपको पता है थोड़ा सा टाइम लेती हैं कुक होने के लिए। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद लिड लगा के हमने इसको छोड़ दिया था। कुक हो चुकी थी हमारी दोनों वेजीज, तो इसमें हमने ऐड की थी कैप्सिकम, मिक्स किया था अच्छा सा सब जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए उनके साथ इसको। और फिर एक दफ़ा से फिर हमने इसको 1-2 मिनट्स के लिए लिड लगा के दम पे रख दिया था। तो हमने इसमें किसी किस्म का पानी ऐड नहीं किया, जो चिकन का अपना पानी निकला था इसमें से उसी के साथ हमने इसको कुक किया। बहुत ही मज़े की वेजेस बनती हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को आप। और बहुत ही कम टाइम में आप एक रेस्टोरेंट स्टाइल से वेजेस बना के खा सकते हैं। ये देखिए मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, ये भी मैंने इसमें 1 टीस्पून ही ऐड किया, ज़ीरा ऐड करके अच्छे से मिक्स किया था, ऑलमोस्ट हमारा रेडी था। टाइम था सर्विंग का, बॉल लिया था, ट्रांसफर किया था हमने अपने सालन को इसमें। और देखिए कितना ही अच्छा मज़े का लग रहा है। हमने इसको सर्व किया था चपाती के साथ, आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो इसके साथ ही टिल नेक्स्ट रेसिपी, अल्लाह हाफिज़।